ओके हो गया, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, हमारे पास इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, विच इज यहाँ पे वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन था, ठीक है। तो उसका जनरल इक्वेशन हमने, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जनरलाइज किया था अभी नेक्स्ट, मतलब प्रीवियस जो हमने पढ़ा उसमें। अभी देखो आप यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ ए, हमें जो पैराबोलिक ग्राफ बनाने हैं उसमें ए का रोल क्या है, बी का रोल क्या है और सी का रोल क्या है। बी का रोल उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, बी के रोल का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, वो असिमेट्रिक ग्राफ्स में, लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, आपको 11 ट्वेल्थ में ये एक मतलब काम नहीं आने वाला है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्यों, क्योंकि कंसेप्चुअल आप करेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बी की वैल्यू हमने क्यों नहीं ली, अगर ली तो क्यों ली, क्या होता है बी की वैल्यू चेंज होने से, क्या होता है ए की वैल्यू चेंज होने से, क्या हो रहा है सी की वैल्यू चेंज होने से, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम पहले बात करते हैं रोल ऑफ ए, व्हाट इज ए, इट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो ए का रोल क्या होता है, ओके, हम देखेंगे ए का रोल क्या है। तो ए विल डिसाइड द शार्पनेस और क्लोजनेस ऑफ कर्व, ठीक है ना, ए क्या डिसाइड करता है, इट विल डिसाइड शार्पनेस और क्लोजनेस ऑफ कर्व, जो हमारा पैराबोलिक कर्व बनने वाला है वो कितना शार्प होगा, कितना क्लोज होगा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ ए, इट इज नथिंग बट इट विल डिसाइड द शार्पनेस और क्लोजनेस ऑफ कर्व, पैराबोलिक कर्व, ठीक है, चलो उसको समझते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सपोज ए की वैल्यू पॉजिटिव है ना, पोलैरिटी ऑफ ए क्या इंडिकेट करती है, अगर ए की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ पे ओपन, कौन से डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है सो इट विल ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, अगर मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो आप, वाई है और एक्स है, आपको अपवर्ड डाउनवर्ड ही याद रखना है, वो हमारा वो एक्स एक्सिस वाला कंसेप्ट अगर नहीं भी याद रखते हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लो, मैं समझा देता हूँ दोनों कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव, तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, समझ में आया। और अगर उसमें कंडीशन आ जाएगी कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे a की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो हमारा ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो वो ओपन कौन सी डायरेक्शन में होने वाला है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में ओपन होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ विल ओपन्स अपवर्ड, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपवर्ड्स, और वी कैन से पॉजिटिव वाई एक्सिस, कहाँ पे ओपन होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर ओपन होने वाला है, अगर क्या होगा, ए की वैल्यू पॉजिटिव। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, बताओ, ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, ओपन्स डाउनवर्ड और वी कैन से नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हुई सो ग्राफ विल ओपन्स डाउनवर्ड, ठीक है, इट विल ओपन्स डाउनवर्ड एंड वी कैन से नेगेटिव वाई एक्सिस, इट विल ओपन्स इन नेगेटिव
वाई एक्सिस। देखो ये हमारी एक्सिस जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये वाली एक्सिस हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाली हमारी पॉजिटिव एक्सिस, ये वाली हमारी नेगेटिव एक्सिस। तो ये ओपन कहाँ, कौन से डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला जो हमारा चेंज हो जाएगा और x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर हुआ तो केस, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भाई अगर ये वाला a पॉजिटिव है या फिर ये वाला इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह से है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हुआ उसका मतलब अपवर्ड, उसको ओपन का कहाँ पे कर देना है, अपवर्ड, और अगर नेगेटिव हुआ था उसको ओपन कहाँ पे कर देना है, डाउनवर्ड। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये कंसेप्ट आया तो क्या करेंगे बोलो, ये थोड़ी ना अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे राइटवर्ड होगा, ओपन कहाँ पे होगा, राइटवर्ड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। और अगर कब, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे नेगेटिव मिलेगी तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, कौन सी डायरेक्शन में वो ओपन होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ओपन होगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, दिस इज द कंसेप्ट, ओके, दैट यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द टाइम। क्लियर, ओके, चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। हो गया, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, कौन सा, कि अगर ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगी तो ओपन अपवर्ड्स, नेगेटिव होगी तो ओपन डाउनवर्ड्स। अगर हमारा जो फंक्शन चेंज हो जाएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर फंक्शन चेंज होगा तो पॉजिटिव ए अगर ए होगा तो opens towards positive x-axis, that is opens rightward, and negative हो जाएगा तो opens leftward। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर a की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, इफ आई इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ a, देन द ग्राफ विल बी, द कर्व विल बी नैरोअर, और वी कैन से शार्पर। ओके, समझ में आ गया। अगर ए की वैल्यू में इंक्रीज करता हूं तो हमारा ग्राफ जो बन जाएगा, कर्व जो बन जाएगा, वो कैसा बन जाएगा, पैराबोला कैसा बन जाएगा, शार्पर बन जाएगा। मतलब जैसे ये वाला पैराबोला है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे क्लोज होता जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूं। अगर ए की वैल्यू कम हुई तो क्या होगा, अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वाइडर बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कैसा बन जाएगा, वाइडर। ओके, सो द कर्व विल बी वाइडर, समझ में आ गया, कर्व विल बी वाइडर। क्लियर, ओके, चलो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ कर्व बना दिए हैं, आप देख सकते हो, ये एक कर्व, ठीक है, ये दूसरा कर्व, ये तीसरा कर्व, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो गया ए वन, ये हो गया ए टू, ये हो गया ए थ्री। तो आप देखोगे कर्व को देख के ही पता चल जाएगा कि जो कर्व नैरोवर, छोटा, मतलब देखो ये वाला ये वाइडर है, ठीक है, ए वन वाइडर है, ए टू उससे थोड़ा छोटा है, मतलब नैरो हो गया, A3 जो है उससे भी छोटा हो गया। अगर मैं A4 ले लेता हूँ तो यहाँ पे वो भी, सपोज हमने ये ले लिया तो ये उससे भी नैरोअर है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे A की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, A4 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी A3 से, और उसकी वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी A2 से, और उसकी वैल्यू जो है वो A1 से ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, A1 से ज़्यादा होगी। तो ये कंडीशन होगी, जैसे जैसे हमारे पास ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो ए की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये डायरेक्शन में ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो हमारा ग्राफ जो है वो नैरोअर बनता जाएगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमारा ग्राफ, तो यहाँ पे देखो आप ए की वैल्यू सबसे
सबसे कम ए की वैल्यू कहाँ पे, ए वन की सबसे कम वैल्यू है, उसके बाद ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो एक ए वन की वैल्यू कम होने की वजह से वो वाइडर है और ए फोर की वैल्यू कम हो ज़्यादा होने की वजह से वो शार्पनर मतलब शार्पर है। समझ में आ गया? ओके अच्छा, अगर यही कंडीशन यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड मैंने लिया है, अगर यही कंडीशन नेगेटिव में करते तो नेगेटिव ए एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आप देखोगे सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये वाला और दूसरा मैंने बना दिया ये वाला, इसको मैं दे देता हूँ ए फाइव और इसको मैं दे देता हूँ ए सिक्स, इसका क्या होगा मुझे बताओ तुरंत, चलो मुझे बताओ क्या होगा, कमेंट करो क्या होगा बताओ चलो। अच्छा देखो यहाँ पे ए फोर इज मोर नेगेटिव देन ए फाइव, ऐसे होगा, समझ रहे हो आप? ए फोर की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी किससे, ए फाइव से, क्यों? क्योंकि ए फाइव जो है वाइडर है, ए फोर जो सॉरी ए फोर हमने फोर फाइव कर दिया ना, सॉरी ए फोर फाइव नहीं, ये ए सिक्स होगा और ये हमारा फाइव होगा, ठीक है। ए सिक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ए फाइव से, क्यों? क्योंकि ए सिक्स जो है ए फाइव से नेरोवर है या वाइडर, नेरोवर है, तो ए सिक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, तो ए सिक्स इज मोर नेगेटिव देन ए फाइव, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, ए सिक्स इज मोर नेगेटिव देन ए फाइव, क्लियर, समझ में आ गया? ओके चलो लिख लो इतना, इसका इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं हम। हो गया, चलो इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट रोल ऑफ बी, हम किसका रोल देखने वाले हैं नेक्स्ट, हमारा बी का रोल देख लेते हैं। अच्छा ए में क्या क्या बात आपको ध्यान में रखनी है या फिर क्या नोट करके लिखना है वो आप लिख लो जरा स्पीड में थोड़ा सा, ठीक है। रोल ऑफ है तो कंडीशन क्या थी कि ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, नोट करके आप लिखो, है ना, नोट करके लिख लो आप, क्या नोट करके लिखना है, इफ ए इज पॉजिटिव ओके देन इट विल ओपन्स अपर, ओके, इफ ए इज नेगेटिव देन इट विल ओपन्स डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड और डाउन, आपको अपवर्ड डाउनवर्ड ही बात ध्यान में रखनी है, वो लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड वाला नहीं रखने का, क्यों वो नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, आपको यही पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा बोलो, ग्राफ विल बिकम्स कर्व विल बिकम्स नेरोवर, वेरी गुड, और वी कैन से शार्पर, ठीक है। और इफ ए की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कर्व विल बिकम्स वाइडर, ओके, कर्व विल बिकम्स वाइडर, समझ में आ गया ना? तो ये वाला आपको नोट करके, नोट ऐसे लिख के आपके नोटबुक में ऐसे उसको बॉक्स में कर दो ताकि आपको ये बात ध्यान में रहे, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ऑलवेज याद रखनी है, ठीक है। ओके हो गया, चलो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है रोल ऑफ बी, बी का रोल क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा नेक्स्ट अपना जो है रोल ऑफ बी, ठीक है, इन दिस केस दैट इज कोफिशियंट ऑफ, किसका कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट ऑफ एक्स, इसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो जनरली जो बी का रोल होता है ना,
वो कोई भी पैराबोला हमने अभी तक देखा वो सिमेट्रिक पैराबोला देखा, लेकिन अभी बी की वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो नहीं है। बी की कुछ वैल्यू अगर ले लेंगे, बी की वैल्यू जीरो सिमेट्रिक, अगर बी की वैल्यू जीरो नहीं है तो असिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। बी की वैल्यू लेकिन क्या डिसाइड करेगी, पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, वो हम बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, कोफिशियंट ऑफ एक्स और इसका ग्राफ जो है वो क्या डिसाइड करता है, द वैल्यू ऑफ एक्स, रोल ऑफ बी, बी क्या डिसाइड करने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली बी क्या डिसाइड करता है, लेफ्टनेस और राइटनेस ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ग्राफ फ्रॉम द वाई एक्सिस। समझ में आया, ठीक है ना। क्या ये बी बी क्या इंडिकेट करता है, इट विल डिसाइड कौन, बी, ठीक है ना, बी विल डिसाइड राइटनेस एंड लेफ्टनेस ऑफ ग्राफ ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द गिवन कर्व, और वी कैन से गिवन पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, हम यहाँ पे वाई एक्सिस को ही रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा चलो, अभी देखो हमारे पास फॉर क्रिटिकल, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट नया आया, क्रिटिकल पॉइंट। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, तो अगर मैं कोई ग्राफ यहाँ पे सपोज बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, ये वाला जो पॉइंट, जो शार्पनेस का जो यहाँ पे जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, तो एक्स एक्सिस पे इतना और वाई एक्सिस पे इतना, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे एक्स वाई मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट, जो ये पॉइंट हो गया वो क्रिटिकल पॉइंट, अगर ऐसे है तो ये वाला इसका क्रिटिकल पॉइंट, अगर ऐसे है तो ये वाला इसका क्रिटिकल पॉइंट, अगर ऐसे है तो ये वाला इसका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना, सिमेट्रिक जहाँ जहाँ से बन रही है ना, मतलब कर्व की सिमेट्री जहाँ से बन रही है, कर्व की सिमेट्री यहाँ से बन रही है तो ये क्रिटिकल, कर्व की सिमेट्री यहाँ से बन रही है तो ये क्रिटिकल, कर्व की सिमेट्री यहाँ से बन रही है मतलब ये क्रिटिकल, ये हो जाएगा अपना क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया ना। चल अभी क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, एट क्रिटिकल पॉइंट क्या हमें मिला, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। उसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अगर वाई की वैल्यू कुछ दी है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट ये वाला जो हमारा पैराबोला जो बनेगा या फिर जो कर्व बनेगा, वो कर्व का क्रिटिकल पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब डी वाई बाय डी एक्स क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसकी वैल्यू जीरो होगी, मतलब देखो यहाँ पे क्या करना है, y का हमें डिफरेंशिएशन करना है, मतलब d बाय डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा अपना 2ax। डिफरेंशिएशन में पढ़ाने वाला हूँ तब आप देख लेना, अभी आप समझ लो, ये टू आगे आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, मतलब 2ax 2 - 1 दैट इज 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ से x, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 इंटू ax, ये हो जाएगी b की वैल्यू। ठीक है, ये मिलेगी हमें b की इक्वेशन मिल गया, कौन सा इक्वेशन मिला, बी इज इक्वल टू -2 इंटू ए इंटू एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन, मतलब यहाँ पे हमने क्या ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा कि भाई बी की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, लेफ्टनेस और राइटनेस ऑफ एनी पैराबोलिक कर्व। ठीक है ना,
अच्छा, अगर बी की वैल्यू जीरो रहे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बी इज इक्वल टू जीरो पे ही बनने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ये आप थोड़ा देख लो, पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे बोला है कि ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है ऐसे, ये हमारा कौन सा हो जा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ग्राफ का क्रिटिकल, पैराबोलिक कर्व का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्रिटिकल पॉइंट वाई एक्सिस से कौन सी डायरेक्शन में है, राइट की राइटवर्ड है या नहीं है, ठीक है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस से कौन सी डायरेक्शन में है, राइटवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, चलो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, अभी देखो ये ग्राफ कैसा है, इन्वर्टेड है, कैसा है, इन्वर्टेड, उल्टा है, मतलब डाउनवर्ड। ये ओपन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है ना, डाउनवर्ड ओपन, डाउनवर्ड ओपन हुआ, उसका मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव वो मुझे बताओ, ए की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, वेरी गुड, यहाँ पे कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ए की वैल्यू यहाँ पे हमें कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। क्यों, अगर ऐसा ग्राफ दिखे तो डाउनवर्ड ओपन दिखे तो नेगेटिव, और अपवर्ड ओपन दिखे तो पॉजिटिव। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कटोरा लेके आप खड़े हो, जैसे कटोरा जैसा ही है ना, कटोरा लेके खड़े हो, ठीक है, ऐसे कटोरा लेके आप, जैसे रेन हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रही है, आप ऐसे कटोरा लेके खड़े हो गए तो इसके अंदर पानी आने वाला है, मतलब इसके अंदर पानी भरने वाला है, ठीक है ना, मतलब इसमें पॉजिटिव, मतलब ये पानी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अगर कटोरा उल्टा है, मतलब उसके अंदर पानी भरेगा, नहीं भरने वाला, मतलब कितना भी आप रखो, कितने भी टाइम रखो, उसके अंदर पानी नहीं भरेगा, मतलब वो नेगेटिव। या फिर आपको ऐसे भी याद कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो स्माइली है, ठीक है, एक का मुंह ऐसे है, ऐसा है, एक का मुंह ऐसा है, तो आप देखोगे तो ये बंदा और ये बंदा दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है वो बंदा कैसा है, नेगेटिव थिंकिंग वाला है, मतलब ऑलवेज उदास रहता है, और ये जो है जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं वो ऑलवेज हैप्पी होते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं वो खुश हो ना खुश रहते हैं पूरे दिन, मतलब कुछ ना कुछ सोच के नेगेटिव थिंकिंग करके बैठ जाते हैं, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरे से मैथ्स नहीं होगा, मेरे से फिजिक्स नहीं होगा, ऐसे करके बैठ जाते हैं। नहीं, हमें कौन से बच्चे बनना है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले बच्चे बनना है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप देखोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब अगर ये कर्व ऐसा हुआ तो ये हमारा पॉजिटिव, अगर कर्व ऐसा हुआ तो ये हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, चलो बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो माइनस टू इंटू ए, ए की वैल्यू यहाँ पे कैसी हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैसी है, एक्स की वैल्यू अगर आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, मतलब यहाँ पे इनटू प्लस, ठीक है। तो बी की वैल्यू जो हमें मिलेगी, टोटल करोगे आप, नेगेटिव इनटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, और इनटू प्लस दैट इज इनटू पॉजिटिव, दैट इज हमारा जो आंसर मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। बी की वैल्यू हमें यहाँ पे कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। अगर यही ग्राफ में थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ पे ले लूँ तो क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे जो है वो कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट डायरेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में हमें लेनी है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एक्स मतलब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे है, कौन से पॉइंट पे है बताओ, वेरी गुड, लेफ्ट पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, अच्छा ए की वैल्यू तो यहाँ पे कैसी रहने वाली है, नेगेटिव ही रहने वाली है क्योंकि उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव इनटू, ये देखो एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, और एक्स की वैल्यू भी हमें कैसी मिली, नेगेटिव, तो एक्स की वैल्यू भी हम यहाँ पे नेगेटिव इनटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बी की वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया रोल ऑफ बी, बी हमें क्या बताता है कि
जो हमारा ग्राफ है पैराबोलिक कर्व जो है वो सिमेट्रिक होगा या असिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमें कौन सा, मतलब बी की वैल्यू अगर जीरो है तो सिमेट्रिक, ठीक है, और बी की वैल्यू जीरो नहीं है, ओके, इट इज़ ग्रेटर देन जीरो और बी इज लेस देन जीरो, ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्राफ हमारा जो बनेगा वो असिमेट्रिक बनेगा। असिमेट्रिक मतलब क्या हुआ कि इसका क्रिटिकल पॉइंट एक्स या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हमें नहीं मिलेगा, उसका जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो कहीं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या एक्स माइनस एक्स वाई प्लेन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वाई प्लेन और माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन में मिलेगा, ठीक है ना, ये चार प्लेन में से कहीं भी मिलेगा। ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, असिमेट्रिक बनेगा, ठीक है, कब, जब बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन जीरो होगा। क्लियर हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस सी, बस यही इंपॉर्टेंट है हमारा, ये तो सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए लिखवा दिया। क्लियर हो गया, ओके, चलो मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, लिख लिया ना, ओके। चलो अभी रोल ऑफ सी, किसका रोल देखने वाले हैं हम, सी का रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ सी इन अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी हैव एन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने देख लिया ऑलरेडी और ये भी हमने देख लिया। ये क्या इंडिकेट करता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये क्या इंडिकेट करता है और अब ये क्या इंडिकेट करेगा, ठीक है, मतलब क्या इनका रोल, ए का रोल क्या है, बी का रोल क्या है, सी का रोल। चलो ए का रोल क्या था बताओ, कमेंट करो, ए का रोल क्या था कमेंट करो मुझे, बी का रोल हमने बता दिया अभी और सी का रोल, अभी हम बात करते हैं किसका रोल, रोल ऑफ सी, रोल ऑफ सी। अच्छा रोल ऑफ सी क्या है, तो मैं अगर एक्स वाई एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस बनाता हूँ और मैंने कोई ग्राफ ऐसे बना दिया, या फिर ये ग्राफ जो है वो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, या फिर ये जो ग्राफ है वो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, ओके, तो आप देखोगे कि हमारा पैराबोलिक कर्व ये यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो रहा है। हमारा पैराबोलिक कर्व जो है वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, तो ये जगह पे, यहाँ पे ये ग्राफ में हमारा यहाँ पे और ये ग्राफ में अगर देखें तो वो ये पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पैराबोलिक कर्व वाई एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेप्ट होता है वो इंटरसेप्शन को हम क्या बोलते हैं, सी की वैल्यू। हो गया, इरेज कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ वाई एक्सिस, सॉरी सी, व्हाट इज द रोल ऑफ सी, इट इज नथिंग बट इट इज एन इंटरसेप्शन इंटरसेप्शन ऑन वाई एक्सिस, ओके, इट इज नथिंग बट एन, इट इज एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, समझ में आ गया, इट इज एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अभी देखो यहाँ पे सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो कर्व है वो इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ऑन द पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये हमारा पॉजिटिव, तो इफ एक्स सी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पैराबोलिक कर्व विल इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर, समझ में आ गया, अगर सी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा हुई उसका मतलब क्या हुआ कि पैराबोलिक कर्व जो हमारा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, ये हमारी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, अगर सी की वैल्यू लेस देन जीरो हुई, मतलब हमारा सी यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, मतलब सी हमारा यहाँ पे नेगेटिव हुआ, ये कंडीशन हुई,
इफ सी इज लेस देन जीरो, देन क्या होगा कि हमारे पास अगर ये ग्राफ है, ठीक है, ये दो ग्राफ है मैंने ऐसे बना दिया, दूसरा एक ग्राफ जो है मैंने ऐसे बना दिया, सॉरी थोड़ा साइड में कर देते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये इंटरसेप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये इंटरसेप्शन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, पैराबोलिक कर्व विल इंटरसेप्ट ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैराबोलिक कर्व विल इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपना रोल ऑफ सी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलो अभी मैं आपको एक, आप इतना लिख लो, इसके बाद मैं एक शॉर्ट नोट लिखवा देता हूं जो आपको ऑलवेज याद रखना है, ठीक है, चलो ओके, चलो, तो अगर साइन ऑफ ए, इफ साइन ऑफ ए, यहां पे साइन ऑफ ए क्या डिसाइड करता है, नेचर ऑफ क्रिटिकलिटी, ठीक है, नेचर ऑफ क्रिटिकलिटी, मैं समझा देता हूं कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब ए क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बंदा खुश, बंदा खुश, और पॉजिटिव मतलब हमारा पैराबोला कुछ इस तरह से बना, ठीक है ना, पैराबोला हमारा कैसा बना, मतलब ये पैराबोला जो होगा वो हमारा इरेक्ट पैराबोला होगा, कैसा होगा, इरेक्ट पैराबोला, या फिर इसको ओपन अपवर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको इरेक्ट पैराबोला बोला जाता है, ठीक है, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट जो रहता है ना, वो क्रिटिकल पॉइंट ऑलवेज कहाँ पे रहेगा, पैराबोला की मिनिमम पोजीशन पे रहेगा, तो वो कहाँ पे रहेगा, ऑलवेज मिनिमा पे रहेगा, ऑलवेज कहाँ पे रहेगा, मिनिमा पे, देखो कोई भी कर्व है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट ये पॉइंट होता है, कोई भी कर्व है इसका क्रिटिकल पॉइंट ये हुआ, ठीक है, कोई भी कर्व, पैराबोलिक कर्व का क्रिटिकल पॉइंट जो होता है ना, वो जहाँ से ये शेप जो बन रहा है ना, मतलब मिरर इमेज जहाँ से इंटरसेक्ट करेगा, मिरर एक्सिस जहाँ से, मिरर एक्सिस जहाँ से इंटरसेप्ट करेगा, वो पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या कंडीशन होती है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं मैक्सिमा और मिनिमा भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, अच्छा एक्चुअल में मैक्सिमा मिनिमा हम वेक्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि कब मैक्सिमा होता है, कब मिनिमा होता है, ठीक है, क्या कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यूज मिलती है, क्या कंडीशन में हमारी मिनिमम वैल्यूज मिलती है, डबल डिफरेंशिएशन आने वाला है, वो हम वेक्टर्स में या फिर मैथमेटिकल, नेक्स्ट जो हमारा मैथमेटिकल टूल्स का टॉपिक है उसमें ले लेंगे, ठीक है, अच्छा चलो, अगर ए की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, यहाँ पे ये क्या मिला हमें, मिनिमा मिला, ठीक है ना, मतलब हमारा क्रिटिकल पॉइंट एकदम लो, मिनिमम वैल्यू पे रहेगा, सपोज यहाँ पे ये ग्राफ है तो यहाँ पे ये इसका मिनिमा हो जाएगा, ठीक है ना, मिनिमा जो है वो ऑलवेज लोअर, मतलब उसका छोटे से छोटी वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे है उसकी छोटी वैल्यू, ठीक है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है मतलब ये बंदा रो रहा है, ठीक है ना, मार्क्स अच्छे नहीं आए, रो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ग्राफ जो बनने वाला है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, मतलब ये हमारा, ये कंडीशन देखोगे ना, ये हमारे पास अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हमारा पैराबोला कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और क्रिटिकल पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे रहेगी वहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जहाँ कहाँ पे मिलने वाला है, जहाँ पे उसकी पैराबोला कर्व की मैक्सिमम वैल्यू हो, तो ये मैक्सिमा पे मिलेगा, ठीक है, क्लियर, चलो तो ये हो गया मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, इतना लिख लो जल्दी से, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट कर्व दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हो गया, इरेज कर देता हूं, ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, चलो भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका जो जनरल हमारा इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन जो हमारा होता है
इक्वेशन ऑफ क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ओके, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं सी की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। इफ आई टेक सी इज इक्वल टू 1 देन आवर इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स हुआ, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा इसका, चलो बताओ। इसको मैं ग्राफिकल, हमें एक्स वाई प्लेन में ही कंसिडर करना है, वो बाकी प्लेन में नहीं करना। ठीक है, एक्स वाई प्लेन वाला ही हम कंसिडर करेंगे। अगर मैं, चलो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बाय 0 इन्फिनिटी बनेगी। अच्छा, x की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। x की वैल्यू 2 रख दी तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, बोलो y की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बाय 2, दैट इज 0.5 या वी कैन से 1 बाय 2। एक्स की वैल्यू अगर 3 रख देता हूँ तो y की वैल्यू 1 बाय 3। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 बाय 4 ऐसे बनेगी। तो इसको अगर प्लॉटिंग हम करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे, x की वैल्यू हमने क्या ली, 0, 0 पे ये इन्फिनिटी पे, मतलब यहाँ पे ग्राफ हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैंने 1 कर दी, यहाँ पे क्या कर दिया, 1, तो y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 2 कर देता हूँ तो y की वैल्यू हाफ हो जाएगी, यहाँ पे मैंने 2 किया तो ये हाफ हो गया। ठीक है, 3 रखा तो 1 बाय 3, मतलब ये पोर्शन में कम होता जाएगा। और x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये कंडीशन होगी, मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये टच नहीं करेगा यहाँ पे x आगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे कंसेप्ट आ जाता है। तो ये हो जाएगा अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको सिर्फ ये, मतलब ये कहाँ पे काम आने वाला है, सपोज ये y इज इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर है तो भी हमारा जो ग्राफ बनने वाला वो इस तरह से ही बनेगा। ठीक है ना, तो भी हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से ही बनेगा। तो हमारा ये वाला इक्वेशन कहाँ पे काम, मतलब ये वाला कंसेप्ट कहाँ पे काम आएगा, बोलो कहाँ पे काम आएगा, कहाँ पे काम आ सकता है मुझे बताओ। ग्रेविटेशन का हमारा चैप्टर है ना, बहुत सारे हैं वैसे, बहुत सारे हैं, लेकिन हम ग्रेविटेशन का चैप्टर लेते हैं। उसमें फोर्स इज इक्वल टू 2 मास के बीच में फोर्स कैसा लगता है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2, मास ऑफ वन बॉडी एंड मास ऑफ अनदर बॉडी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज r अपॉन r स्क्वायर। सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये हमारा कौन सा लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लो, और इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से ही मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ग्राफ कैसे बनेंगे वो आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से, हो गया। ओके, चलो अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्कल। अभी हम ग्राफ में पढ़ने वाले हैं हमारा सर्कल। ठीक है, सर्कल का जो जनरल इक्वेशन हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सर्कल होता है, ठीक है, उसके लिए जो जनरल इक्वेशन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा जनरल इक्वेशन किसका बनेगा, सर्कल का। मतलब अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक है ना, ये जो मैंने पूरा सर्कल बनाया जिसका रेडियस कितना है ए, जिसका रेडियस कितना है ए के बराबर, और ये पी पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई है। अगर ये कोऑर्डिनेट्स, अगर ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट, ये मतलब बहुत सारे पॉइंट्स अगर ले लेता हूँ मैं, और सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लेके उसको मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, और ये इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हमारा ये जो पॉइंट है वो, ये जो हमारा सर्कल बनाया हुआ है वो सर्कल का ही पॉइंट है। सपोज मैं यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लेता हूँ, एक्स डैश वाई डैश,
यहाँ पे क्यू जेड पॉइंट ले लेता हूँ, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, ठीक है। तो इसका जो हमारा मतलब ये सब इसको सेटिस्फाई होने चाहिए, कैसे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स डबल डैश स्क्वेयर प्लस वाई डबल डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ठीक है ना। ये अगर सेटिस्फाई हुआ तो ये हमारा सभी पॉइंट्स एक दो तीन मतलब पी क्यू जेड सभी पॉइंट्स कौन से पॉइंट हो जाएंगे, सर्कल के पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना, सर्कल के ऊपर रहने वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, क्लियर। तो ये हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन। चलो नेक्स्ट जो हमारा है वो है एलिप्स। एलिप्स ये आपको सिर्फ इक्वेशन ही याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारा एलिप्स, एलिप्स की बात करें तो हम ये पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ में, ठीक है। एलिप्स कैसा होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे पॉइंट ले लिया जिसको मैंने एफ वन और एफ टू नाम दे दिया, ठीक है। अभी जो एलिप्स जो बनता है ना वो कुछ हमारा इस तरह से शेप बनता है, ये हमारा बन गया एलिप्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या देखना, मतलब इसका मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक, सिर्फ समझ लो। ये जो हमारी एक्सिस हो जाएगी ना, जो बड़ी वाली एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस बनेगी हम इसको ये मेजर एक्सिस बोलेंगे, कौन सी एक्सिस बोलेंगे, मेजर एक्सिस बोलेंगे। ये वाली जो हमारी एक्सिस बन जाएगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, माइनर एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस बन जाएगी, माइनर एक्सिस बन जाएगी, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ओके चल, तो अच्छा ये जो दोनों है ना, ये दो सेंटर है किसके, एलिप्स के, और ये जो होता है वो इसको हम फोसी बोलते हैं, ठीक है, फोकस, दो फोकस को हम फोसी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस जो हमारा वाई एक्सिस से है ये सी होगा और ये वाला डिस्टेंस भी सी होगा, सेंटर वाई एक्सिस से फर्स्ट सेंटर और सेकेंड सेंटर मतलब एक फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का डिस्टेंस, ये वाला हमारा वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो बी होगा, ये वाला बी हमारा डिस्टेंस कितना होगा, बी होगा, ये वाला हमारा डिस्टेंस ए होगा तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा, समझ में आ गया। ओके मेजर एक्सिस देखो इसके दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो ऐसे भी हम ये जो हमने बनाया वैसा भी बना सकते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस, फोकस आर ऑन एक्स एक्सिस देन द ओरिएंटेशन विल बी लाइक दिस, एंड इफ फोकस आर ऑन वाई एक्सिस देन ओरिएंटेशन विल बी चेंज, दैट इज एफ वन एंड एफ टू, और जो हमारा ग्राफ और एलिप्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो इसकी मेजर एक्सिस ये बन जाएगी, माइनर एक्सिस ये बन जाएगी, ठीक है, मतलब ये हमारा ए ए हो जाएगा, ये हमारा बी बी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो एलिप्स का जो हमारा इक्वेशन है, स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एलिप्स का फॉर्मूला, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। सपोज ये पॉइंट पी है ना, ठीक है, तो पी पॉइंट अगर ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, अगर पी की वैल्यू ये इसको सेटिस्फाई करती है तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो एलिप्स है मतलब ये जो पॉइंट है वो हमारा कौन से जगह पे है, एलिप्टिकल व्यू मतलब एलिप्स पे है, समझ में आ गया ना। ओके चलो, तो ये था हमारा ग्राफ्स का टॉपिक दैट वी हैव कंप्लीटेड, क्लियर, दैट वी हैव कंप्लीटेड। अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल का नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, दैट इज थर्ड चैप्टर एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।